हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हो सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ मिल्क फेशियल, यानी आप दूध से फेशियल कैसे कर सकते हो। इससे आपकी स्किन ब्राइटन होगी, वाइटन होगी, आपके स्किन पे एक अच्छा सा हेल्दी ग्लो आएगा। अगर आपको सनबर्न सन टैन की प्रॉब्लम है, ये उसको भी रिमूव करेगा। आप कोई से भी एज ग्रुप में हो, इस फेशियल को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ मूव ऑन करते, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सबसे पहले मैं एक बोल लूँगी जिसमें 2-3 टीस्पून मिल्क ऐड करूँगी और एक कॉटन बॉल की मदद से पूरे फेस की क्लींजिंग करूँगी। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो चेहरे की सेहत को सुधारता है। यह त्वचा में कोलेजन की मात्रा को भी बढ़ाता है जिससे त्वचा मुलायम हो जाती है। आप रोज़ सोने से पहले मिल्क से क्लींजिंग करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी वाइट होगी और काफ़ी सारे डस्ट निकल जाएंगे, जिससे आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट रहेगी। और अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर आप सो सकते हैं। इस स्टेप को करने के बाद आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून राइस फ्लोर एंड 3 टीस्पून मिल्क। अच्छे से मिक्स कीजिए और क्लेंजिंग के बाद स्क्रबिंग को अपने फेस और नेक पर जेंटली स्क्रब कीजिए। मिल्क में मौजूद प्रोटीन और फैट रफ स्किन को सॉफ्टन करता है। 2 मिनट स्क्रब करने के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। थर्ड स्टेप है मसाज, जिसके लिए हमें चाहिए 3 टीस्पून मिल्क, 1 टीस्पून हनी एंड 1 टीस्पून एलोवेरा। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्क्रबिंग के बाद एक कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और फिंगर की मदद से मसाज कीजिए। इस मिल्क मॉइस्चराइजर को अपने फेस पर 15 मिनट रखने के बाद फेस को ठंडे पानी से धो लीजिए। मिल्क पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और ये ड्राई स्किन और एक्ने प्रोन स्किन को रिड्यूस करता है। स्किन को हाइड्रेट रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है मिल्क। सो फ्रेंड, इट्स ऑल माई टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो विद माई नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।